तो अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक की ओर, जो हमारा मेन टॉपिक है आज। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि जो ये वीडियो है ये आपको वो हर पॉइंट क्लियर कर देगी जो हमें 1K को हिट करने के लिए चाहिए। मुझे टाइम लगा है, तो मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया है, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर ये पॉइंट्स मुझे पहले क्लियर पता होते तो मेरे को आज इतना टाइम नहीं लगता। तो मैं वापस आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, पूरे पॉइंट्स देखिएगा। तो ये भी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको YouTube में कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने 1K सब्सक्राइबर्स हिट करना चाहते हो तो इन पॉइंट्स को ज़रूर से देख लीजिए। आप अपने पास कॉपी पेन को रखिए, पॉइंट्स को नोट कीजिए। जो YouTube में 1K सब्सक्राइबर्स करना चाहते हैं, जिनके 1K सब्सक्राइबर्स नहीं हो रहे हैं, तो ये खासकर वीडियो जो है उन्हीं के लिए है। जो भी YouTube चैनल स्टार्ट करता है या स्टार्ट करना चाहता है या जो 1K हिट करना चाहता है, तो सबसे पहले वो ध्यान में रखेगा कि उसका कंटेंट कैसा होना चाहिए। कंटेंट की मैं बात करूं तो उसको ये ऐसा होता है कि कोई फूड ब्लॉगर होता है वो फूड के ऊपर डालता है, कोई ट्रैवल ब्लॉगर होता है वो ट्रैवलिंग के ऊपर डालता है, कोई YouTube में वीडियोस डालता है टेक्निकल गुरु के नाम से, बहुत सी वीडियोस होती हैं टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सी वीडियोस होती हैं वो टेक्निकली बताता है, बहुत सी आपको कंटेंट मिल जाएंगे, वैरायटीज़ मिल जाएगी आपको, कोई ऑफ रोडिंग करता है। तो इसी तरह आप जब YouTube स्टार्ट करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कंटेंट क्या है। और कंटेंट की मैं बात करूं, कंटेंट कहां से आता है? कंटेंट आता है यहां से, आपके दिल से आता है। कंटेंट देखो देखी में नहीं आता कि भाई उसने व्लॉगिंग कर दी है शुरू, मैं भी ट्रैवल व्लॉगर बन जाता हूं, उसने फूडिंग कर रहा है तो मैं खाना बनाना शुरू कर देता हूं, नहीं। YouTube अगर आपने स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको अपना पैशन देखना पड़ेगा कि आपका पैशन किस में है, आपको इंटरेस्ट किस में आता है, आपको मज़ा किस में आता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को ट्रैवलिंग का शौक है, घूमने का शौक है, और मुझे ड्राइव करने का शौक है, राइड करने का शौक है। तो मैंने अपनी हॉबीज़ को, अपने पैशन को, अपने जिसे मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ, बोर नहीं होता हूँ, तो उसके ऊपर मैंने व्लॉगिंग बनानी शुरू की। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रैवलिंग मैं यूट्यूब में अब वीडियो डालनी शुरू की हैं तो मैं अभी से वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ या ट्रैवलिंग करना शुरू कर रहा हूँ। जब से मैंने YouTube स्टार्ट किया है उससे पहले मैं बहुत ट्रैवलिंग कर चुका हूँ, हर जगह घूम चुका हूँ, गाड़ी बहुत चला चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने पैशन को अपने जो क्रिएटिविटी के साथ जोड़ा है, मतलब कि क्रिएटर बनने की कोशिश की है मैंने। तो कहने का मतलब यह है कि आप जब भी कोई वीडियो बनाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कंटेंट क्या है। उसके बाद आता है, उसके आगे अगला स्टेप आता है हमारा सॉल्विंग प्रॉब्लम। जो भी हम वीडियोस बनाते हैं, जो भी हम वीडियोस YouTube में डालते हैं, तो वो हम डाल रहे हैं, लेकिन अगले बंदे के पास कैसे पहुँचेगी, YouTube में कैसे, YouTube का एल्गोरिदम एक ऐसा है जो सर्चिंग इंजन की तरह है। हमें वो वीडियोस डालनी है जो पब्लिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि घर में कुछ भी हमने बना दिया या कुछ भी कर दिया तो वो हम कहते हैं उसके व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं बहुत से ये व्यूज़ नहीं मुझे मिल रहे, या ये मेरी वीडियो जो वायरल नहीं हो रही, ऑडियंस नहीं आ रही, लाइक्स नहीं आ रहे, बहुत कैसे आएंगे। आपकी वीडियो आप तक है, आपके दोस्तों तक की है, मगर पब्लिक वो लोग भी हैं जो ऑलरेडी YouTube चला रहे हैं, उन तक आपकी वीडियो कैसे पहुंचेगी जब वो वीडियो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो हमेशा याद रखिए, वीडियो वो बनाइए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो हो। आपने वीडियो तो बना ली, अब बात आ जाती है उस वीडियो में एंटरटेन भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वीडियो बना रहे हो तो बस वो एंटरटेन नहीं हो रही है, बस आप दिखा रहे हो, पब्लिक दिखा रहे हो, ऑडियंस दिखा रहे हो, तो ट्रैक दिखा रहे हो, नहीं। वीडियो के साथ कहते हैं जिसमें मसाला तड़का, थोड़ी सी एंटरटेनिंग होनी चाहिए, गपशप होनी चाहिए, तो वो एंटरटेन आपने बनाना है, वो आएगा प्रैक्टिस से। जितनी आप वीडियोस बनाते जाएंगे, जितने आप एंटरटेन करते जाएंगे, यूं ही आप अपने आप को पॉलिश करते जाएंगे। तो एंटरटेनिंग जो स्टाइल है वो आपका खुद का होना चाहिए, स्टार्टिंग में स्टाइल बिल्कुल भी नहीं आएगा, स्टाइल नेचुरल होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। आप किसी जैसा कोई बोल रहा है आप लोगों को मैं वैसे बोलूँगा, नहीं, वो उसका स्टाइल है ब्रो। आपका स्टाइल अपना होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए, जैसे आप खुद हो वैसा होना चाहिए। जब भी आप वीडियो बनाते हो, मान लो आपने माइंड में बना लिया कि आज मुझे वीडियो बनानी है, तो आपके पास एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए।
बोले तो आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए कि आपको मतलब कि आप वीडियो को कट तो कर ही दोगे, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बीच में बबलिंग कर जाऊँगा तो मैं उसको कट कर दूँगा, या कुछ वर्ड ऐसा बोल दूँगा जो क्लियर नहीं निकलेगा फिर मैं उसको रिपीट करूँगा, तो वो हम अपने सॉफ्टवेयर से कटिंग कर देते हैं। तो आपके पास स्क्रिप्ट होना चाहिए कि अगर आप भूल जाते हो तो वीडियो रोको नहीं, और वहीं से पॉइंट्स को नोट की, जहाँ आपने नोट किया है वहाँ से आप उसको देखिए तो वापस उस वहाँ से कंटिन्यू कर लीजिए। आपके पास रिटर्न में होना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, स्क्रिप्टेड होना चाहिए। जब आप पूरी वीडियो बनाते हैं, अगला पॉइंट आता है, जब आप पूरी वीडियो बनाते हैं जो स्टार्टिंग के 3 सेकंड्स होते हैं, जो आपकी स्टार्टिंग की जिसे हम कास्टिंग कहते हैं, स्टार्टिंग के जो 3 सेकंड्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपकी वीडियो जो है वो प्रॉपर देखी जाएगी या नहीं देखी जाएगी। वो 3 सेकंड्स आपके एंटरटेनिंग होने चाहिए। साइड बाय साइड आपका थंबनेल, आपका थंबनेल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको थंबनेल पे भी फोकस करना है। हम लोग क्या करते हैं, जो मैं गलतियाँ करता था कि कई बार क्या होता था, मैं वीडियो तो शूट करता रहता था लेकिन मैं प्रॉपर साइड पे फोटो क्लिक करना भूल जाता था। तो याद रखिएगा कि वीडियो के साथ साथ आपको फ़ोटो भी क्लिक करने हैं, अच्छी लोकेशन के, अच्छी मोमेंट्स के, जो आपके थंबनेल जो है डिसाइड करता है आपकी वीडियो ओपन होने पे। तो थंबनेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने वीडियो बना ली और अब आपका पॉइंट आ जाता है, थंबनेल भी हो गया हमारा थंबनेल भी हो गया, आपने स्टार्टिंग के 3 सेकंड्स भी लगा दिए, पूरी वीडियो भी दिखा दी, लास्ट में आपने उसका रीज़न देना है, एक ऐसा पॉइंट रखना है, ऐसा स्क्रिप्ट बनानी है कि आपकी अगली वीडियो भी ऑडियंस देखे। तो आपने लास्ट में ऐसा मैसेज ज़रूर छोड़ना है कि जो आपकी अगली वीडियो को कोरिलेट करे। कहने का मतलब यह है कि हमने एक स्टोरी बनानी है कि अगर आप एक व्लॉग डाल रहे हैं तो दूसरा व्लॉग भी जो है वो देखा जाए, वो और जो ऑडियंस है वो कैसे आएगी जब तक आप उसको कोरिलेट नहीं करेंगे, एक मैसेज वहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक वीडियो में। तो अभी हमने बात की कि लास्ट में हमें एक मैसेज छोड़ना है कि हमारी जो वीडियो का अगला पार्ट है रहेगा तो वो कनेक्ट रहना चाहिए, और लास्ट में हमने सब्सक्राइब के लिए ज़रूर बोलना है, एक ऐसा मैसेज डालना है कि जिससे कि ऑडियंस जो है हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो साइड बाय साइड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम जो भी वीडियो बनाते हैं उस वीडियो में मेन चीज़ ये रहती है कि आपने किसी को भी कॉपी नहीं करना है। डोंट कॉपी अदर्स, ये मैं क्लियरली आपको बताना चाहूँगा कि आपका ये अपना चैनल है, आप इस YouTube के क्रिएटर हो, आप खुद ही क्रिएटर हो, आप डायरेक्टर भी हो, आप यहाँ के सेलिब्रिटी भी हो, हीरो भी हो, जो भी हो आप खुद हो। अगर आप किसी अदर की कॉपी करोगे तो जो चीज़ आपके अंदर से निकलने वाली है, जो आपका स्टाइल है, वो नहीं निकल पाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि अपने आप से प्यार करना है, आप जैसे भी हो आपको किसी की परवाह नहीं करनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना 100% देना है, बस 100% देना है। आपने ये नोट नहीं देखना है कि आपकी वीडियोस पे लाइक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने, इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूँ, सिर्फ आपने फोकस करना है नंबर ऑफ वीडियोस पे। आप यकीन मानिएगा दोस्तों, अगर आप 1 साल के अंदर ये नंबर ऑफ़ वीडियोस 100+ जाती हैं तो आपका चैनल को कोई भी रोक नहीं सकता सब्सक्राइबर्स और वॉचिंग आवर्स के लिए। अगर नहीं हो पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपना ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर जो शाइनेस है उसको रिमूव करनी पड़ेगी, आपको जो फोबिया होता है कैमरा के आगे बोलने का वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता ही आएगा। यूँ यूँ आप वीडियोस बनाते जाओगे, थोड़े से फैमिलियर होते जाओगे, ऑटो मोड पे आपको कंटेंट मिलता जाएगा, वर्ड्स मिलते जाएंगे, टॉपिक्स मिलते जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि अपने पैशन को नहीं देखते कि उनको पसंद क्या है, वो चीज़ करते हैं जो जिसमें बाकी कर रहे होते हैं, तो उसमें वो आगे राइज़ तो हो जाते हैं पर वो शॉर्ट टर्म के लिए राइज़ होंगे, लेकिन आपका जो पैशन है आपने उसको देखना है, उस पर वर्किंग करनी है और अपना स्टाइल लाना है, दूसरे के स्टाइल को आपने कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है। डेफिनेटली आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपको मैं 100% बोलूँगा कि इस वीडियो के बाद आपको किसी और यूट्यूबर की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज़ मैं आपको क्लियर करके बताऊँगा कि मैंने, क्योंकि मैंने खुद 1K सब्सक्राइबर्स हिट किए हैं और मेरे को भी टाइम लगा है,
और मुझे टाइम क्यों लगा है कि यही गलतियाँ जो है मैंने की हैं जिस जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको एक सीरियस लीजिए कि जब हम YouTube स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे पास अच्छा मोबाइल होना चाहिए, अच्छा कैमरा होना चाहिए, माइक होना चाहिए, बाइक्स अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि हम इतना सोचते हैं। तो मैं ऐसा बोलूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ टोटली डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कैसा है। अगर आप स्टार्टिंग में पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपके पास कोई मोबाइल है थोड़ा सा जिसका कैमरा क्लैरिटी अच्छी है, आप उससे स्टार्ट कीजिएगा। हाँ, आपकी वीडियो की क्वालिटी में पब्लिक कंप्रोमाइज़ कर सकती है, लेकिन आपकी वॉइस क्वालिटी पे पब्लिक कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो आपको स्टार्टिंग में अगर पैसा इन्वेस्ट करना हो तो आप अपने माइक पे कीजिए। माइक लीजिए, सिंपल सा ट्राइपॉड होता है वो ले लीजिए, और उसके ज़्यादा मैं बोलूँगा आपको स्टार्टिंग में कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो दो माइक्स आते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बोया M1 आता है और बोया MM1 आता है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर लीजिए, बहुत अच्छा है। तो क्योंकि चीपेस्ट है, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी है, अगर पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं भी है तो एडजस्टेबल है, लेकिन अगर आपकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी हो लेकिन अगर आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी ना हो तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक को सुनने में मज़ा नहीं आता है। तो वॉइस क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करने का है। अपने यूट्यूब लाइब्रेरी में जाना है, वहाँ से फ्री म्यूज़िक को डाउनलोड करना है। और साउंड इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो आप अगर मेरी पहली वीडियो ही देख लो कि पालने के साथ, तो उस पर मैंने साउंड इफ़ेक्ट थोड़े से यूज़ किए थे टिंग टॉन्ग वाले, तो वो आपके पास होने चाहिए, प्रॉपर डाउनलोड होने चाहिए। तो किस मोमेंट पे आपने डालना है, तो वो आप जब वीडियो डालने शुरू करोगे तो आपको आहिस्ता वो चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाएंगी। एक्सपीरियंस मैटर्स करता है, आपको टाइम लग सकता है लेकिन इतना भी नहीं लगेगा कि आप कर नहीं पाओगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम जब बनाते हैं तो बात आ जाती है टाइटल की। हम टाइटल कैसा चूज़ करें? दोस्तों, टाइटल वो डालना है आपने जो सर्चेबल हो, जिसको लोग ज़्यादा सर्चेबल इंजन में आ जाए। क्योंकि YouTube में एक एल्गोरिदम है, जितना हमारा कंटेंट सर्चेबल होगा उतनी जल्दी हम इसमें राइज करते हैं। तो आपका कंटेंट जो होना चाहिए और कंटेंट में जो टाइटल होना चाहिए वो एक सर्चेबल इंजन की तरह होना चाहिए, जो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। सर्चेबल का मतलब है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, जिस टाइटल से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व होती हो तो वो बहुत जल्द वीडियोज़ जो होती हैं वायरल हो जाती हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, कोई भी वीडियो टाइटल डाल दीजिए, लिख लीजिए जिससे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व होती हो, वो वीडियो जो भी फ्रंट पे आएगी उस पर व्यूज़ देखिएगा, लैक्स मिलियंस व्यूज़ आए होंगे उस पर। और आगे चलते हैं, डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन में आपने शॉर्ट वीडियो के बारे में बताना है, थोड़ी सी शॉर्ट डिटेल देनी है आपने अपने कंटेंट के बारे में, अपनी वीडियो के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, पर होना चाहिए। उसके बाद मैं बोलूँगा हैशटैग्स की बात करूँगा, सोशल मीडिया लिंक्स की बात करूँगा, वो प्रॉपरली आपने यूज़ करने हैं। सोशल मीडिया लिंक्स आपने अपने प्रॉपरली यूज़ करने हैं, क्योंकि पब्लिक आपको नहीं जानती सर। जितना आप अपने आप को प्रमोट करोगे उतना ही आप बहुत जल्द आगे राइज जाओगे। तो सोशल मीडिया लिंक्स अपना तो डेफिनेटली यूज़ कीजिए, तो जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आगे चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। अब बात आ जाती है प्रैक्टिकली, जो हम फील्ड में जब जाते हैं, जब हम फील्ड में जाते हैं कहीं पर भी ब्लॉग शूट कर रहे होते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो आप अपने आप को खुद से प्रमोट कीजिए। आप सबको बताइए वहाँ पे कि मेरा YouTube चैनल है, तो उनसे सब्सक्राइब भी कराइए। इनिशियल स्टेज में ये चीज़ मैंने स्पेशली की है कि अगर मैं कहीं पे भी जाता हूँ, कोई व्लॉग बना रहा हूँ, तो उसको स्पेशली बोलता हूँ, भैया मैंने अभी अपना चैनल बनाना शुरू किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करा दो। जिस भी शॉप में मैं जाता हूँ, जिस भी पर्सन से मैं पर्सनली मिलता हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं और रिलेटिव्स हैं, उन सब से मैं बात करता हूँ कि चैनल को प्रमोट करना है, बाइक को सपोर्ट करना है, तो वही चीज़ आपने भी करनी है। तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने प्रॉपरली ये वीडियो देख ली है, पॉइंट्स को नोट कर लिया है, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप एक साल के अंदर नहीं, 6 महीने में भी आप अपना ये टारगेट जो है हिट कर सकते हो, बशर्ते आप बस एक चीज़ करनी है आपको, बस लग जाना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मेरे को टाइम लग सकता है क्योंकि मेरी जॉब है, बहुत से ऐसे हैं जो फुल टाइमर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूट्यूब करना चाहते हैं,
तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो थर्ड पार्ट था कि 1K सब्सक्राइबर्स कैसे हिट किए जा सकते हैं। तो बहुत सी वीडियोस आपको मिलेंगी, जो जो जिनसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो फिर मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। जय माता दी।